5000। जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, समझने का है, पूरा लॉजिकल टॉपिक है, बात समझ ना। ओके सेल डिवीजन नाम तो सुना ही होगा आपने, बात समझ ना। ओके बस फंडे लॉजिक क्लियर करने हैं। तो आपसे मैं कहूं, जब भी सेल डिवीजन की बात आती है तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं, रोडोल्फ विर्चो को। नाम सुना, रोडोल्फ विर्चो, साइंटिस्ट का नाम है रोडोल्फ विर्चो। नाम सुना नहीं सुना, साइंटिस्ट का नाम है क्या, रोडोल्फ विर्चो। और ये इसने क्या कहा, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, ये इसने स्टेटमेंट दिया था, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। तो यही से हम शुरुआत करते हैं, और बहुत सी बार इस टॉपिक में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑमनी सेलुलाई सेलुला स्टेटमेंट किसने दिया है, रोडोल्फ विर्चो ने दिया है। और इसका मीनिंग होता है कि न्यू सेल का फॉर्मेशन ओल्ड सेल से होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बाय ओल्ड सेल। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ये स्टेटमेंट किसका है, रोडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट है। और इसका अर्थ मीनिंग क्या है, तो मैंने कहा न्यू सेल का, मैंने कहा निर्माण, बोले तो फॉर्मेशन, बोलो मैंने कहा किससे, ओल्ड सेल से होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बाय ओल्ड सेल। ये किसका स्टेटमेंट है, रोडोल्फ विर्चो का। अच्छा फिर हम किसको याद करते हैं, मैंने कहा स्ट्रॉसबर्गर को। स्ट्रॉसबर्गर भी साइंटिस्ट है, इसने क्या कहा, इसने कहा न्यू सेल का फॉर्मेशन ओल्ड सेल के डिवीजन से होता है। थोड़ी और बात को मॉडिफाइड किया कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बाय डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल। बोलो बात समझ में, यानी न्यू सेल का निर्माण, मैंने कहा फॉर्मेशन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ओल्ड सेल के क्या होता है, डिवीजन। आपसे मैं कहूं डिवीजन मतलब क्या, विभाजन। आपसे मैं कह रहा हूं से होता है, ठीक है। फिर आया कार्ल नेगेली, कौन आया, कार्ल नेगेली। ये सब किसके नाम है, साइंटिस्ट के नाम, कार्ल नेगेली, स्ट्रॉसबर्गर, रोडोल्फ विर्चो। ये क्या कहता है, ये कहता है कि न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन ओल्ड न्यूक्लियस के डिवीजन से होता है। बोलो बात समझ में, यानी न्यू, आपसे मैं को न्यूक्लियस, ठीक है, सब जानते हैं ओल्ड न्यू न्यूक्लियस का मतलब नए केंद्रक। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं का निर्माण मतलब फॉर्मेशन, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर ओल्ड न्यूक्लियस, आपसे मैं कह रहा हूं के डिवीजन, आपसे मैं कह रहा हूं से होता है। सबसे पहले तीन बातें मैंने बताई, समझ में आई मेरी बात, थोड़ा अपडेशन हुआ। सबसे पहले रोडोल्फ विर्चो ने कहा ऑमनिस सेलुलाई सेलुला मींस न्यू सेल फॉर्मेशन बाय ओल्ड सेल। देन स्ट्रॉसबर्गर ने क्या कहा कि न्यू सेल का फॉर्मेशन बाय डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल। एंड कार्ल नेगेली ने कहा, कार्ल नेगेली ने कहा, कार्ल नेगेली ने कहा कि न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन बाय डिवीजन ऑफ ओल्ड न्यूक्लियस। बात समझ में आई, बोलो। ये सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको एक दो दिन में टॉपिक पूरा टिप्स पे करा दूंगा। बात समझो ना, पूरा समझने का है, हर चीज लॉजिकल है, बात समझो ना इसमें। मैंने जो लिखा समझ में आ जाएगा, बोलो आपको। नए केंद्रक का निर्माण पुराने केंद्रक के विभाजन से होता है, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है, नई कोशिका निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। अपडेशन होता गया और वर्डों को बदलता गए, लेकिन पहली बार बोलो न्यू सेल का ओल्ड सेल से कनेक्शन किसने किया, रोडोल्फ विर्चो ने। क्या स्टेटमेंट दिया, ऑमनिस सेलुलाई सेलुला। बोलो बात समझ में है।
ये काल नेगेली, अपना काल नेगेली नाम नहीं सुना कभी? अरे साइंटिस्ट है, हिंदी इंग्लिश एक ही होते हैं, काल नेगेली मतलब काल नेगेली, काल नेगेली, काल नेगेली रहेगा, बोलो पास है ना। अरे हिंदी इंग्लिश में साइंटिस्ट जड़ी चेंज होते हैं, ये समझ में आई मेरी बात? इतना नोट किया, ओके। सबसे पहले सेल डिवीजन में हम सीखेंगे सेल साइकिल, क्या सीखेंगे? सेल साइकिल, बात समझ ना, कोशिका चक्र, ओके। ये तो तीन स्टेटमेंट बताया, इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला, बोलो बात समझ में। इससे आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ओमनिस सेलुलाई सेलुला, बात समझ में हो गया नोट ये, ओके। अब मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? सेल साइकिल, समझना मेरी बात को। सेल साइकिल मतलब क्या? कोशिका चक्र, ठीक है। मैंने कहा सेल साइकिल में दो फेज होती है, क्या होता है? मैंने कहा सेल साइकिल इज इक्वल टू इंटरफेज, क्या लिख रहा हूं? इंटरफेज। इंटरफेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतरा अवस्था, अंतरा अवस्था। एंड डिवीजन फेज, डिवीजन फेज, डिवीजन फेज को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते? विभाजन प्रावस्था, ठीक है, विभाजन प्रावस्था। जो डिवीजन फेज होती है उसी को बोला जाता है माइटोटिक फेज, क्या बोला जाता है? माइटोटिक फेज भी बोला जाता है, माइटोटिक प्रावस्था भी बोला जाता है, क्लियर। जो इंटरफेज होती है उसकी तीन सब फेज होती है, कितनी बोलो? तीन, एक होती है G1, एक होती है S, एक होती है G2। ये तो हम अभी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहले मैं क्या बताना चाहता हूं जो ज्यादा आरपीएससी में आता है? सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, बोलो कोशिका चक्र का क्रम, बोलो। मैंने कहा कोशिका चक्र का क्रम, क्रम क्या होता है? मैंने कहा G1, बोलो S, मैंने कहा G2 और M, क्लियर। ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, बोलो दो बार ये पूछा जा चुका है कि सेल साइकिल का ऑर्डर क्या होता है, G1 S G2 M, बात सुन नोट करोगे। माइटोटिक फेज को ही शॉर्ट में एम फेज, ठीक है। इतना नोट किया, बोलो। ये सीक्वेंस पूछी जाती है, बोलो G1 S G2 M, देन वापस G1 S G2 M, बात समझ में आए, बोलो ओके। तो हम पहले इसका डिटेल स्टडी, फिर इसका डिटेल स्टडी, इसी में आ जाते हैं तीन डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस। तो पहले पढ़ेंगे इंटरफेज, फिर पढ़ेंगे डिवीजन फेज, यही हमारा सेल डिवीजन होता है, बोलो बात समझ में आए। मतलब मेरे कहने का मतलब है पहले इंटरफेज के फंडे क्लियर करेंगे, फिर डिवीजन फेज में आएंगे, और डिवीजन फेज में कितने डिवीजन? तीन, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस, बात समझ में आए, बोलो ओके। तो ये किया नोट, इसका क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, सेल साइकिल की सीक्वेंस क्या होती है? G1 S G2 M, क्लियर। तो अब समय को पहला हेडिंग डालोगे इंटरफेज, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इंटरफेज। ओके देखो, ये तो नोट किया आपने, बोलो। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं,
कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज मतलब नाम से पता चल रहा है अंतरा अवस्था। पहले इसके बारे में जनरल बातें बताता हूं, फिर इनकी सारी तीनों सब फेज जानेंगे। देखो इंटरफेज क्या होती है, फेज बिटवीन टू डिवीजन। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो, फेज बिटवीन टू डिवीजन, दो विभाजन के मध्य की अवस्था को क्या बोलते हैं, इंटरफेज। मैंने कहा ये क्या होती है, फेज, मैंने कहा बिटवीन टू डिवीजन, बात समझ में, दो विभाजन के मध्य की प्रावस्था। मैंने कहा दो विभाजन, आपसे मैं करूं दो विभाजन, बोलो के मध्य की, आपसे मैं कहूं प्रावस्था। ठीक है, एक तो ये चीज हुई जिससे हमें, मुझे नाम समझ में आया है, इंटरफेज। इंटर का मतलब फेज बिटवीन टू डिवीजन, क्लियर। अब क्या होता है, इधर देखो, आपसे मैं कह रहा हूं कि जो इंटरफेज होती है, ऐसे बोलने में उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, लेकिन रियल में ये बहुत ज्यादा एक्टिव फेज होती है, बात समझ ना। मैंने कहा इंटरफेज, इंटरफेज, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं इंटरफेज, बार बार ऐसे इंग्लिश में लिखूंगा चलेगा, बोलो, अंतरावस्था में मजा नहीं आता, फीलिंग्स नहीं है अंतरावस्था में, फीलिंग्स किस में है, बोलो, इंटरफेज में, बोलो बोलो बोलो, इंटरफेज को क्या बोला जाता है, रेस्टिंग फेज। क्या बोला जाता है, रेस्टिंग फेज, बोलो, विश्रामा अवस्था। क्या बोला जाता है, विश्रामा अवस्था। ठीक है, बोलो विश्रामा अवस्था, बोलो, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है, मतलब इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, कहा जाता है, परंतु बट मैंने कहा यह है, बोलो बहुत ही, बोलो बहुत ही सक्रिय, मैंने कहा वेरी एक्टिव फेज होती, बहुत ही सक्रिय, मैंने कहा वेरी एक्टिव, आपसे मैं करूं एक्टिव फेज होती है, क्योंकि इसमें डिवीजन की सारी तैयारियां होती, ऑल प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन किसमें होती है, इसमें होती है, बात समझ में। डिवीजन में कुछ नहीं है, वो तो जैसे ह्यूमन का बताऊं, ह्यूमन में एवरी 24 आवर्स में सेल डिवाइड होती है। क्या बोल रहा हूं, एवरी 24 आवर्स में सेल डिवाइड होती है, उसमें से 23.5, बोलो जो टाइम पीरियड होता है, 23.5 आवर्स, मतलब लगभग पूरा 95% टाइम रेस्टिंग का होता है, केवल आधा एक घंटे में सेल डिवाइड होती है, डिवीजन फेज होता है। इसका मतलब मेन क्या है, इंटरफेज है, सारी प्रिपरेशन किस में होगी, इंटरफेज में। डिवीजन तो मान लो, आपसे मैं कहूं शादी का वो दिन है, बोलो, बात समझ में, जिस दिन लोग आके खाना खा रहे हैं, तैयारियां क्या है, बोलो, इंटरफेज है, बोलो, बात समझ में। मेरे कहने का मतलब है, एक सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड किसका होता है, इंटरफेज का होता है, डिवीजन का तो बहुत छोटा होता है, बात समझ रहे ना। ओके, तो मैंने कहा एक्टिव फेज होती है, क्योंकि मैंने कहा कि क्योंकि डिवीजन फेज की ऑल प्रिपरेशन की सभी, मैंने कहा तैयारियां, बोले तो ऑल, मैंने कहा प्री प्रेशन, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं इसी में होती है, इस आपसे मैं कह रहा हूं इसमें, बोलो इसमें होती है, कौन कौन सी होती है, सारी अभी अपन देखेंगे। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले फेज बिटवीन टू डिवीजन, एंड मैंने बोला इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, बोलो इसको विश्रामावस्था भी कहते हैं, लेकिन रियलिटी में ये क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव फेज है, क्योंकि इसमें डिवीजन की सारी प्रिपरेशन, ऑल प्रिपरेशन होती है, बात समझ में आए। तो इतनी बात मेरी समझ में आई, बोलो आपको, ओके। एक यहीं पे क्या लिख लोगे कि बोलो सेल साइकिल का 95% टाइम किस में लगता है, इंटरफेज में लगता है, केवल 5% ही डिवीजन का होता है। सेल साइकिल का मतलब क्या, इंटरफेज एंड डिवीजन फेज, तो जो 95% टाइम है वो किस में लगता है, इंटरफेज में। तो मैंने कहा सेल साइकिल का 95% टाइम, बोलो, किसका होता है, इंटरफेज का, इंटरफेज का। और मैंने कहा 5% टाइम किसका होता है, बोलो 5% जो टाइम होता है वो किसका होता है, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं डिवीजन,
बोलो डिवीजन फेज का, ठीक है। मतलब पूरी सेल साइकिल, जैसे मैंने कहा हमारी एक वुमन की एक सेल साइकिल 24 आवर्स में होती है, तो लगभग 23 घंटे तो उसका क्या है बोलो इंटरफेज है, आधे से एक घंटा ही डिवीजन फेज है। बोलो 95% टाइम किसका होता है, इंटरफेज का होता है। क्लियर, ये तो इंटरफेज का बेसिक बताया। अब इंटरफेज में कितनी सब फेज होती है, तीन, G1S G2, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ ना, इतना किया नोट बोलो आपने। नाइनटी फाइव परसेंट टाइम तो किसका होता है इंटरफेज, और 5% किसका होता है डिवीजन फेज का। बात समझ में, इंटरफेज में कितनी सब फेज होती है, तीन, G1S G2, उनको मैं कंपेरेटिवली स्टडी कराऊंगा क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, ये वाली बेसिक बातें समझ में आ गई बोलो। इंटरफेज की, इंटरफेज रेस्टिंग फेज दिखते हैं बोलते हैं लेकिन एक्चुअली होती है नहीं, बहुत ज्यादा एक्टिव फेज होती है। बात समझ, जिसमें सारी प्रिपरेशन होती है, मैक्सिमम टाइम भी इसी में लगता है। क्लियर हो गया ये नोट बोलो। किया ये, ओके। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज, जहां से क्वेश्चन आते हैं बोलो इतना नोट किया। इधर देखो, ये मैंने कहा बोलो सब फेज आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ इंटरफेज, ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज की प्रावस्था है कौन सी होती है आपसे मेरे को, एक होती है G1, एक होती है S और एक होती है G2। अब देखो अपन कैसे कंपेरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, यहां पर मैं ले रहा हूं पॉइंट्स, क्या ले रहा हूं पॉइंट्स, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं मैं बोलो G1 फेज, ठीक है, और यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं बोलो S सब फेज, क्या लिख रहा हूं S फेज, ओके। और मैंने कहा यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं बोलो G2 फेज, क्या लिख रहा हूं मैं बोलो G2 फेज, ओके। देखो मैंने कहा कि दो ही चीजें मुझे लेनी है, एक तो इनके कितने नाम हैं, वहां से क्वेश्चन आता है, और या इसमें क्या प्रिपरेशन होती है, इसमें क्या प्रिपरेशन होती है, इसमें क्या प्रिपरेशन होती है, समझना। पहले मैं नाम का फंडा सिखा रहा हूं, नाम याद नहीं करने समझने हैं। तो पहला मैंने पॉइंट क्या लिख रहा हूं यहां पर, नेम, ठीक है। देखो इसके जितने नाम हो सकते हैं मैं निकाल के बता रहा हूं आपको, कैसे ध्यान रहेगा। इसका पहला नाम है गैप फर्स्ट फेज, क्या बोलते हैं गैप फर्स्ट फेज, ओके, जो ये G1 का लिखा हुआ है। इसका S का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, क्या होता है सिंथेसिस फेज। इसका मतलब होता है गैप सेकंड फेज। ये तो हुआ जो नाम है उसका मीनिंग, बोलो बात समझना। अब मैंने कहा इनके और भी नाम होते हैं, जैसे इसका नाम होता है या करके बता रहा हूं, मतलब सारे इसी के नेम है, इसी को बोलते हैं ग्रोथ फर्स्ट फेज, क्या बोलते हैं ग्रोथ फर्स्ट फेज, क्लियर। और आपसे मैं कहूं इसको बोलते हैं ग्रोथ सेकंड फेज, क्या बोलते हैं ग्रोथ सेकंड फेज। एक बार नाम बता दूं, नोट करना, फिर प्रिपरेशन बताऊंगा अगले चार्ट में, ठीक है। मैंने कहा ग्रोथ सेकंड फेज, बोलो ये वृद्धि प्रथम ही वृद्धि द्वितीय है, अच्छा इसी को क्या बोलते हैं आपसे मैं सिंथेसिस फेज, किसका सिंथेसिस डीएनए का, इसमें क्या होता है रेप्लिकेशन, तो इसको रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं रेप्लिकेशन फेज, ओके, प्रतिकृतिकरण प्रावस्था। ये नाम ऐसे ही ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं रेप्लिकेशन फेज कौन सी होती है, ओके। अब देखो मैंने कहा और नाम बताता हूं, अगर मैंने इसको रेप्लिकेशन फेज बोला तो इसको मैं प्री रेप्लिकेशन फेज बोलूंगा, क्या बोलूंगा प्री रेप्लिकेशन फेज, ओके। और इसको क्या बोलूंगा मैं बोलो पोस्ट रेप्लिकेशन फेज, क्या बोलूंगा पोस्ट, ठीक है। पहले तो चलो लोगों को प्री पोस्ट समझ में नहीं आते थे, आजकल तो बड़े ही आते हैं, ये प्री और पोस्ट समझते बोलो, ओके। प्री, अरे प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग बोलो, हाँ वही शादी से पहले शादी के बाद, तो बोले यहां पर भी तो यही हो रहा है, ये बोलो पहले और ये बाद, ठीक है, पोस्ट रेप्लिकेशन, बात समझ में आए बोलो, ओके।
अब मैं आपसे कह रहा हूं इसके तीन नाम बताए, इसके नाम बताए। अब मैंने कहा देखो हमारी साइकिल क्या थी, G1 S G2 M, फिर वापस कहा था G1 S G2। तो ये क्या थी मेरी माइटोटिक फेज। इसका मतलब माइटोटिक फेज के बाद क्या आता G1, तो इसको मैं क्या बोलूंगा पोस्ट माइटोटिक फेज। क्या बोलूंगा मैं बोलो पोस्ट माइटोटिक फेज। देखो समझोगे तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कैसा आता है पोस्ट माइटोटिक फेज, इंटर फेज की किस सब फेज को बोला जाता है, बात समझ में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी बोलो, ये क्या हो जाएगी प्री बोलो माइटोटिक फेज, बोलो माइटोटिक फेज। ठीक है, ये मैं ऐसे इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि ऐसे ही समझ में आएंगे आपको, बात समझ रहे ना। अब देखो ये नाराज हो गई, इसने कहा इनके इतने इतने नाम, मेरे तो दो ही नाम है, बात समझ में। तो इसको बोला तेरा एक खतरनाक नाम रखेंगे जिसको दुनिया याद रखेगी। क्या सुनो आपसे मैं कह रहा हूं ये इंटरफेज है, क्लियर। ऐसा बोला जाता है अगर कोई सेल डिवीजन के इंटरफेज में, सेल साइकिल की इंटरफेज में, एस सब फेज में पहुंच जाती है तो वो डिवाइड होकर रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे बोलो बंदूक गन में बुलेट है, ट्रिगर दबा दिया है, गोली निकल के रहेगी। क्या बोल रहा हूं, इसका कंपैरिजन किससे किया जाता है कि जिस प्रकार बोलो बुलेट गन के अंदर बुलेट है, ट्रिगर दबा दिया है तो गोली निकल के रहेगी, ठीक वैसे ही सेल साइकिल की इंटरफेज में अगर कोई सेल एस फेज सब फेज में पहुंच गई है तो डिवाइड होकर रहेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस कंपैरिजन की वजह से इसको ट्रिगर फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है ट्रिगर फेज। इसका वर्ड नाम समझ में आया कि इसको ट्रिगर फेज कैसे बोला जाता है, बोलो ट्रिगर फेज किससे कंपेयर किया है इसका, बोलो बंदूक के ट्रिगर से किया है। बोलो जिस प्रकार बंदूक में ट्रिगर दबा दिया है गोली निकल कर रहेगी, ठीक वैसे ही सेल साइकिल के अंदर सेल अगर इंटरफेज में एस में पहुंच गई है तो डिवाइड होके रहेगी। तो ये मैंने क्या बताया नाम बताया। तो सबसे पहले नेम नोट करोगे और फिर हमारा अगला क्या आएगा कि इसमें क्या प्रिपरेशन होती है, इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, बात समझ ना। बात समझ में आई मेरी, बोलो। लगभग 10-12 क्वेश्चन है ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सोचोगे तो प्री पोस्ट के चक्कर में कभी रहोगे नहीं। एग्जाम में पूछा पोस्ट माइटोटिक कौन सी सब फेज होती है, पोस्ट माइटोटिक पूछा G1 S G2 M, बोलो आपसे G1 S G2 M वापस G1 प्री पोस्ट के अकॉर्डिंग टिक कर दोगे, बात समझ में आए। ये आपको इंग्लिश से ही समझ में आएंगे प्री और पोस्ट, बात समझ में आए बोलो। प्री और पोस्ट को सोचना है तो किससे कल्पना कर लोगे, हाँ वेरी गुड, बात समझ ना। ये तो मैंने नेम बता दिया, अगले चार्ट में क्या आएगा, इसमें क्या क्या प्रिपरेशन होती है, इसमें क्या होती है और उसमें क्या होता है, जिससे हमें इंटरफेज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बोलो इंटरफेज से बनने वाले सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ट्रिगर फेज किसको बोला जाता है, ध्यान रहेगा बोलो। यहां ट्रिगर फेज क्यों बोला समझ में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो सेल साइकिल की कौन सी इंटरफेज की फेज होती है जिसमें सेल पहुंच जाए तो डिवाइड होके रहेगी, तो वो एस सब फेज है, बोलो बात समझ में। क्योंकि उसमें पहुंच गई तो सेल डिवाइड होके रहेगी, अगर रुक सकती है तो G1 में ही रुक सकती है, जिसको G0 फेज कहेंगे, बोलो वो स्पेशल नॉट
लिखाऊंगा। बात समझ में आए बोलो। एक बार एस में पहुंच गई फिर तो डिवाइड होके रहेगी। बात समझ में आए बोलो। ओके, ये किया नोट बोलो। प्रिपेस अगले वाले में आए बोलो। अगले में क्या बताने वाला हूं? प्रिपेशन। बात समझ में, इसमें क्या, इसमें क्या और उसमें क्या। क्लियर? अच्छा, दूसरा पॉइंट आप क्या कर लो, टाइम पीरियड लिख लो यहां पर। आप समय को आइडिया के लिए, सबसे लंबा ये होता है, फिर वो सबसे छोटा है। इसको लिख लोगे 10 से 12 घंटे, यानी लॉन्गेस्ट। बोलो, ये तो खाली आइडिया के लिए। आपको पूछा जाए सेल साइकिल की सबसे लंबी कौन सी होती है, जीवन होती है। उससे कम एस, उससे कम G2 और सबसे कम डिवीजन। बोलो बात समझ में। यहां पर मैंने कहा बोलो 10 से 12, इस पे लिख सकते हो 8 से। बोलो आप समय को 10 और हवर्स, और इसमें लिख लोगे बोलो 4। बोलो आप समय कह रहा हूं, इसको लिख लोगे 4 to 6 hours। क्लियर? और डिवीजन फेज तो केवल आधा से 1 घंटे का। बात समझ में। सबसे लंबा पीरियड किसका होता है? इसी का होता है, जीवन का। बात समझ में। हवर्स में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मानव के अंदर एक डिवीजन का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स होता है। हर 24 आवर्स में सेल डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है? जीवन में। बात समझो ना। ओके, नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा? प्रिपरेशन। नंबर 3 क्या आ जाएगा? प्रिपरेशन। ये कर लिया नोट? ओके, हो गया नोट ये? बात समझ में। देखो अगला फॉर्मेट क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा यहां पर तैयारियां। ठीक है, तैयारियां। ये मेरा यहां पर क्या है आपको, कि जीवन फुल ऑफ पेज। आपसे मैं करो, आपको वापस नोट नहीं करना है। ठीक है, आपसे मैं करो, ये मेरा यहां पर क्या है, एस सब पेज। और मैंने कहा ये क्या है मेरा यहां पर, बोलो G2। ठीक है, देखो मेन चीज इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो मैंने कहा एक काम होगा, सेल साइज इंक्रीज होगी। बोलो क्या होगी? सेल साइज इंक्रीज। कहते हैं ना, किसी को हलाल करने से पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है। इसमें क्या होगा? पहले सेल साइज इंक्रीज होगी। अल्टीमेटली तैयारी क्या कर रहे हैं? सेल को बोलो काटने की तो कर रहे हैं, एक सेल से 2 सेल में बदल रहे हैं। तो शुरुआत में पहले तैयारी क्या होगी? सेल साइज इंक्रीज होगी। अच्छा, सेल साइज कैसे इंक्रीज हो सकती है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा? संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण। मैंने कहा क्या होगा इसमें? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। आपसे मैं कह रहा हूं संरचनात्मक, मैंने कहा प्रोटीन का क्या होगा? निर्माण। अच्छा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन कैसे बनते हैं? हमने कहा यार डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। इसका मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा। मैं कैसे बता रहा हूं, समझ रहे? बोलो इसमें क्या होगा? बोलो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन भी होगा, ये सारे काम इसमें होंगे। बात समझ में आए? बोलो। मैंने कहा देखो सेल साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। सेल साइज इंक्रीज होने के लिए किसका निर्माण होगा? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। ये सारी तैयारियां किस में होती है? इसमें होती है। ठीक है, एस में क्या होता है? मैंने कहा डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या? डीएनए डबल हो जाता है। इधर देखो, मैंने कहा अगर ये सपोर्टेड 2 डीएनए है तो डीएनए रेप्लिकेशन में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है। मेरी बात को समझना कि क्रोमोसोम की संख्या तो क्या रहती है? वही रहती है, केवल क्या होता है? डीएनए की संख्या डबल होती है। बोलो बात समझ में। मैंने क्या बताया? एस फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए की संख्या डबल हो जाएगी।
पहले दो है तो चार हो जाएगी, चार है तो आठ हो जाएगी, ऐसा होगा, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या वही रहेगी। बोलो बात समझ में। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक जीवन के अंदर एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सपोजेट आपसे मेरे को ऐसे कुछ भी बोलते 30 है, कितनी है 30 है, तो बताओ एस के बाद उसमें कितनी हो जाएगी, 30 रहेगी, क्योंकि एस में भी 30, जी में जी टू में भी 30, क्योंकि रेप्लिकेशन डीएनए का होता है, डीएनए की संख्या डबल होती है, क्रोमोसोम की संख्या वही रहेगी। ये फंडा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो मैंने कहा यार डीएनए डबल हो रहे हैं, तो डीएनए का पैकेजिंग कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन, कौन करता है हिस्टोन प्रोटीन, बताया मैंने पैकेजिंग, तो इसका मतलब हुआ इसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी निर्माण होगा। एग्जाम में पूछा जाए हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किस में होता है, एस में। हिस्टोन मैंने कहा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बोलो का निर्माण कैसे, ध्यान रखोगे, समझ में आया बोलो, कि जहां जहां डीएनए रेप्लिकेशन वहां वहां हिस्टोन प्रोटीन का भी निर्माण होगा, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन ही तो डीएनए को पैकेजिंग करता है। बोलो बात समझ में है। ओके, इसमें तो यही काम होता है। वापस आ जाते हैं G2 में। G2 में क्या होता है, एक तो मैंने कहा सेल ऑर्गेनल की संख्या बढ़ती है, क्या होती है बोलो, सेल ऑर्गेनल्स, आपसे मैं कहूं कोशिकांगों की संख्या क्या होती है, कोशिकांगों, आपसे मैं कहूं सेल ऑर्गेनल्स के नंबर की संख्या में क्या होती है, इंक्रीज होता है। अच्छा, और क्या होता है इसमें, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, किसका होता है, ट्यूबुलिन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर। तो मैंने कहा इसमें क्या होता है, मैंने कहा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, और ये किसमें यूज आएगा, यूज इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, बोलो तर्कु तंतु के निर्माण में काम आएगा, किसमें काम आएगा, तर्कु तंतु, बोलो तर्कु तंतु के निर्माण में बोलो सहायक होता है, ठीक है, सहायक। जब एम फेज पढ़ेंगे तो वहां जगह जगह स्पिंडल फाइबर बनाने पड़ेंगे, तैयारियां तो पहली करनी पड़ती है ना, बोलो तैयारियां पहले करनी पड़ती है। ये कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन सा प्रोटीन करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन करता है, उसका फॉर्मेशन किसमें होता है, G2 फेज में होता है, बात समझ में। ओके, मैंने कहा अगेन प्रोटीन बन रहे हैं, तो इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब होंगे बोलो, और होंगे कि नहीं होंगे, इसमें भी सभी, मैंने कहा बोलो आरएनए का भी निर्माण होगा, सभी आरएनए का भी निर्माण होगा, ये सारी तैयारी किसमें होती है, इसमें होती है, सारी तैयारियां हो गई, फिर क्या होगा बोलो, डिवीजन होगा, बात समझ में। अब देखो मैंने इसमें सब चीज बता दी, एग्जाम में पूछा जाता है मेन बोलो डीएनए रेप्लिकेशन का किसमें होता है, एस में। हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है, एस में, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन से संबंध कौन रखता है, हिस्टोन प्रोटीन। आपको पूछते हैं कि सेल साइज सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें करती है, जीवन में, बोलो स्ट्रक्चरल प्रोटीन किसमें बनेगा, जीवन में। ट्यूबुलिन प्रोटीन किसमें बनेगा, G2 में। सेल ऑर्गेनल्स के नंबर डबल होना या ज्यादा होना किसमें होता है, G2 में। अरे बोलो बात समझ में आई, बोलो मेरी बात, ओके, नोट करोगे इसको, ये 2N2N लिखा मतलब समझ गए कि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन नहीं, नो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बात समझ में आई मेरी आपको। ये लिखू समझ गए, अनुवादन, ठीक है, ये वाले तैयारियां समझ में आई बोलो आपको, स्पेशल नोट लिखोगे।
स्पेशल नोट लिखो मैं बोलो, ठीक है ये नोट कर लो। ये कर लिया नोट। इतनी बात समझ में आई मेरी आपको? अच्छा, यहां से एक स्पेशल नोट क्या निकालेंगे कि आपको पता चल रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण बोलो इंटरफेज की सभी फेज में होता है। इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। लेकिन अगर नाम ले ले ट्यूबुलिन तो अलग है, हिस्टोन तो अलग है, स्ट्रक्चरल तो अलग है, खाली प्रोटीन का निर्माण बोले तो तीनों में। समझ में लिखोगे पहला स्पेशल नोट? पहले ये नोट कर लिया कि नहीं किया? हो गया, स्पेशल नोट लिखा रहा हूं कुछ। बोलो नंबर वन, प्रोटीन फॉर्मेशन इंटरफेज की सभी सब फेज में होता है। बोलो बोलो आप समय करो, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का निर्माण इंटरफेज की सभी सब फेज में होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन आपसे मैं कहूं इन ऑल सब फेज ऑफ इंटरफेज। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण इंटरफेज की सभी सब फेज में होता है। ठीक है, नंबर टू, स्पेशल नोट नंबर टू। ठीक है, नंबर टू क्या बता रहा हूं, ये हो गया बोलो? ओके, मैंने कहा प्रोटीन का निर्माण इंटरफेज की सभी सब फेज में होता है। बोलो दिख रहा है अपने को? बोलो, लेकिन इंडिविजुअल नाम ले ले तो आंसर अलग होगा। ट्यूबुलिन बोले G2 होगा, हिस्टोन बोले S होगा, स्ट्रक्चरल बोले G1 होगा, कुछ नहीं बोले प्रोटीन फॉर्मेशन तो सभी में होगा। क्लियर? अच्छा, नंबर टू लिखोगे यदि सेल साइकिल की एस सब फेज में पहुंच जाती है तो वो डिवाइड होके रहती है। बोलो क्या बोल रहा हूं, इफ सेल, बोलो सेल साइकिल की किस में? एस सब फेज में पहुंच जाती है तो वो डिवाइड होके रहती है। इफ सेल एंटर इन एस सब फेज ऑफ सेल साइकिल, मैंने कहा यदि सेल जो है वो सेल साइकिल की एस सब फेज में एंटर हो जाती है तो वो डिवाइड होके रहती है, मतलब ऑलमोस्ट 100% डिवाइड होगी। बोलो कोई रोक नहीं सकता है। बोलो बात समझ ना, तो वो डिवाइड होके रहेगी। बात समझ में? ओके, अब इसका उल्टा तीसरा पॉइंट बोलो आप समय का। दूसरा पॉइंट समझ में आया? बोलो, इफ सेल एंटर इन एस सब फेज ऑफ सेल साइकिल इज इक्वल टू 100% डिवीजन। बोलो बात समझ, डिवाइड होके ही रहेगी। ठीक है, अब मैं तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं सुनो, कि कभी कभी सेल जो है सेल साइकिल के जीवन फेज में रुक जाती है, जिसको G0 फेज G0 फेज कहते हैं। बात समझ में? उसमें क्या होता है, G0 फेज में सेल डिवीजन नहीं करती है, पॉलीफ्रेशन नहीं करती है, ग्रो नहीं करती है, लेकिन लिविंग रहती है। उसको G0 फेज या उसी का नाम होता क्यूसेंट फेज। उसको क्या बोलते हैं? क्यूसेंट फेज। देखो मैं स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा तीसरा G0 फेज। बात समझ में? G0 फेज कभी बोला जाता है क्यूसेंट फेज। बोलो बात समझ में, क्या बोला जाता है? क्यूसेंट फेज। क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा इफ, यदि, मैंने कहा सेल, बोलो सेल साइकिल की जीवन फेज बोलो में रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, आपसे मैं कह रहा हूं, तो उसे G0 फेज कहते हैं। G0 फेज या उसी को क्या बोलते हैं? बोलो क्यूसेंट। वो तो मैंने वहां लिख ही दिया, G0 फेज कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा इधर देखो, G1 और G0 में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? इधर देखो, G1 में क्या होगा, सेल
बोलो आगे डिवीजन करेगी, इसमें नौ डिवीजन। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जी जीरो में हगे तो डिवीजन नहीं। बोलो मैंने कहा इसमें ग्रो करेगी, इसमें बोलो ग्रो नहीं करेगी। बोलो बात समझ में। सेल इसमें भी लिविंग रहेगी, इसमें भी लिविंग रहेगी। लिविंग इसमें भी है, लिविंग इसमें भी है। आपको मेरी बात समझ में आई कि जी वन और जी जीरो में क्या अंतर है? अगर जी वन बोलता हूं इसका मतलब डेफिनेटली एस में जाएगी, डेफिनेटली एम में, बोलो एम जी टू में जाएगी और आगे एम भी होगा। बात समझ में। लेकिन जी जीरो बोल देता हूं नो डिविजन नो ग्रो बट लिविंग है। बोलो बात समझ में। क्या बोला मैंने? इसी को बोलते क्वेसेंट फेज। इफ सेल सेल साइकिल की जीवन में रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्विट कर लेती है, तो उसे क्या बोलते हैं? जी जीरो फेज कहते हैं, जिसी का दूसरा नाम होता है क्वेसेंट फेज। और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? अगर जीवन में है तो बोलो एस में जाएगी, एस में जाएगी तो डिवीजन भी होगा। जी जीरो में डिवीजन नहीं होता, इसमें ग्रो होगी इसमें नहीं होगी, लेकिन लिविंग तो दोनों ही रहेगी। बोलो बात समझ में। वो लिविंग है तभी तो अभी तक सेल है। अरे बोलो समझे नहीं समझे मेरी बात? जी जीरो और जीवन में अंतर समझ में आया? तो आपको कभी पूछा जाए जी अगर कोई सेल जीवन में डिवीजन बोलो रुक जाती है तो बताओ उसकी कौन सी फेज कहलाएगी? जी जीरो कहलाएगी। जी जीरो का दूसरा नाम क्या होता है? क्वेसेंट फेज। बोलो बात से, ये नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो बात समझ में। जैसे मैंने जीवन के बहुत सारे नाम बताए, एस के नाम बताए, जी टू के नाम बताए, ऐसे जी जीरो का भी नाम होता है क्वेसेंट फेज। एक्चुअली बोलते शांत प्रावस्था। क्या बोले? शांत प्रावस्था। क्वेसेंट का मीनिंग होता है शांत। अपन कहते हैं ना यार ये इंसान शांत हो गया, लेकिन यहां पर मरने वाली बात नहीं करनी है, क्योंकि मैंने बोला जी जीरो में सेल लिविंग रहेगी। बात समझ में आई? बोलो इतनी कहानी समझ में आई? ये हमने सेल साइकिल का क्या किया है? इंटर फेज किया है। कल हम कहां स्टडी करेंगे? डिविजन फेज। ओके।